Hello everyone, my name is Harsh and a very warm welcome to all of you in this Android app development course. And in this video हम हमारी application के कुछ last feature को functionality देने वाले हैं and मैं आपको वो शो करता हूँ. सो मैं simply यहाँ पे Google open कर रहा हूँ and मैं वो बाइट एरे वाली जो इमेज है उस पर क्लिक करने वाला हूँ सिंपली. सो अगर मैं इस पर लॉन्ग प्रेस करता हूँ एंड आफ्टर डैट मैं यहाँ पे व्यू इमेज पे क्लिक करता हूँ, यू विल सी यहाँ पे एक अलर्ट डायलॉग शो हो रहा है एक्चुअली एंड उसके अंदर ये इमेज डिस्प्ले हो रही है. ये उन इमेजेस के लिए है जो बाइट एरे के अंदर है एंड एक्चुअली उतनी क्लियर नहीं थी. सो मैं कोई दूसरी इमेज पे क्लिक करता हूँ बट वो भी इनबिल्ड होनी चाहिए तभी हमें अलर्ट डायलॉग दिखाई देगा. सो इफ आई क्लिक ऑन दिस व्यू इमेज यू विल सी ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर दिखाई देती है एंड ये काफ़ी अच्छा लग रहा है. ओके, सो अनदर थिंग, अगर मैं कोई दूसरी इमेज के साथ ट्राई करूं जो एक्चुअली डिकोडेड नहीं है या इनबिल्ड नहीं है, सो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं एंड व्यू पे क्लिक. ओके, अगेन दिस वन टू. सो मैं नीचे मूव कर रहा हूं एंड आई थिंक ये इनबिल्ड नहीं है, एक लिंक होगा. सो अगर मैं व्यू करूं देन ये एक न्यू टैब के अंदर ओपन होता है. सो हमें दोनों केसेस हैंडल करने हैं. अगर हमें एक बाइट एरे मिलता है तो हमें उसे व्यू कराना है एक अलग डायलॉग के अंदर, और अगर हमें एक लिंक मिलता है तो हमें इसे नॉर्मली ओपन करना है. सो अनदर फीचर हमारा एक सेव का भी है, सो हमें उस पर भी वर्क करना है इन दिस वीडियो ओनली. एंड यू विल सी यहाँ पे एक मैसेज आता है, इमेज सेव्ड सक्सेसफुली. एंड नाउ ये इमेज हमारी स्टोरेज में स्टोर हो जाएगी. एंड एक्चुअली ये एक बाइट एरे था या बेस 64 कोड था, इसकी वजह से स्टोर हो गया. नाउ ये एक बेस 64 कोड नहीं, एक URL है एक्चुअली इस इमेज का. सो अगर मैं इस पर सेव पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा ब्राउजर बाय डिफॉल्ट ओपन करता है एंड फ्रॉम हियर इन तीन एरोज पे क्लिक करके मैं उसे डाउनलोड कर सकता हूँ. डैट्स टोटली अप टू मी. सो हमें दोनों केसेस हैंडल करने फॉर दिस टू. सो आई नो ये सुनने में बहुत लगता है बट लेट्स जस्ट स्टार्ट. सो हमें इस व्यू इमेज एंड सेव बटन को फंक्शनैलिटी देनी है. सो सबसे पहले हम लोग सेव इमेज का वर्क कर लेते हैं. सो मैं सिंपली स्ट्रिंग को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ एंड आफ्टर डैट मैं इसे नीचे पेस्ट करने वाला हूँ. सो यहाँ पे लेट्स से मैं वर्क कर लेता हूँ. सो अगर सेव इमेज हो इन दैट केस सिंपली यहाँ पे डबल कोट एंड अगर ये हमारे पास एज ए टाइटल आता है तो हमें क्या वर्क करना है. एक्चुअली हमारा वर्क इस नीचे वाले वर्क से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है. ओके, सो वी कैन जस्ट कॉपी दिस फ्रॉम हियर. सो मैं इसे सिंपली यहाँ से कॉपी करने वाला हूँ एंड मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा. एंड नाउ यहाँ पे हमारे पास दो URLs नहीं होने वाले क्योंकि हमें इमेज सेव करनी है, हमारे पास सिर्फ इमेज URL होने वाला है. सो वी कैन रिमूव दिस टेम्प URL फ्रॉम हियर. सो सिंपली जस्ट दिस वन एंड इस इमेज URL को हम लोग यहाँ पे इंस्टेंटली यूज़ कर सकते हैं इस टेम्प URL की जगह पे. सो सिंपली हियर एंड नाउ यहाँ पे भी हम लोग टेम्प URL की जगह पे इमेज URL यूज़ कर सकते हैं, हियर टू एंड फाइनली यहाँ पे भी. ओके, नाउ ये चेक करेगा कि ये बेस 64 है या नहीं, ये हमने लास्ट वीडियो में कोट्स किए थे. एंड नाउ हमें इसे शेयर नहीं करनी, हमें सिर्फ इसे सेव करना है एंड ये सब करने के बाद वो उसे एक पैक के अंदर स्टोर कर देगा. उसे यहाँ पे डिकोड कर रहा है, उसे बिटमैप ले रहा है, फिर फाइनली मीडिया स्टोर से उसे स्टोर कर रहा है एंड इसके बाद हम लोग एक स्नैक बार शो करा देगी यूज़र को. सो स्नैक बार डॉट मेक एंड सिंपली हियर हमें एक बाइंडिंग या रूट पास करना पड़ेगा, मीन्स एक व्यू. सो बाइंडिंग डॉट रूट एंड आफ्टर डैट क्या मैसेज होना चाहिए. सो सिंपली इमेज सेव्ड सक्सेसफुली एंड आप कोई भी मैसेज यूज कर सकते हो एंड मैं इसे 3 seconds के लिए रख रहा हूँ. डॉट शो, अगर आप चाहो तो इसका पैथ भी शो करा सकते हो, डैट्स टोटली अप टू यू. नाउ इट विल सेव इमेज फॉर अस अगर वो एक बाइट एरे होगी तो. बट वॉट इफ इट्स अ लिंक, सो इन दैट केस हमें उसे एक न्यू टैब या एक एक्शन व्यू के अंदर ओपन करना है. नाउ व्हाट्स दैट. ओके, सो सिंपली हियर एंड हमें इस एल्स की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें इसकी एक्चुअली कभी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली. सो वी कैन रिमूव दिस और हम लोग ये भी हटा सकते हैं, एक ब्रैकेट एंड दिस टू एंड हियर सिंपली. मैं इन ब्रैकेट्स को भी हटा रहा हूँ क्योंकि वो कोड काफ़ी छोटा है एक्चुअली. सो सिंपली हियर हम इंटेंट्स की हेल्प लेने वाले. सो सिंपली स्टार्ट एक्टिविटी एंड हम यहाँ पे एक इंटेंट पास करेंगे एंड आफ्टर डैट यहाँ पे इंटेंट डॉट एक्शन व्यू करके कुछ होता है हमारे पास. सो एक्शन व्यू एंड आफ्टर डैट इसके अंदर डेटा सेट करना पड़ेगा. सो सेट डेटा एंड अगेन यहाँ पे एक URI चाहिए. सो URI डॉट पार्स एंड इसके अंदर हमें एक स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी जो उस इमेज का URL होने वाला है एक्चुअली. सो हाउ वी कैन गेट दैट URL, एक्चुअली वो सिर्फ इमेज URL होने वाला है. सो यू आर सिंपली इमेज URL. ओके एंड नाउ वन मोर थिंग आई वॉज थिंकिंग, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस रहना एक अच्छी बात है. ओके, सो जस्ट टू मेक
कि यूज़र को कन्फ्यूजन ना हो कि ये किसके इफ एंड एल्स है. नाउ ये एल्स इससे बिलोंग करता है, सो सिंपली जस्ट हियर एंड मैं इसे अपर ले सकता हूँ. सो इससे हमारा सेव का जो वर्क है वो हो जाएगा. एंड अगर आपको ये कोर्स देखने तो इनको थोड़ा सा एक्सपांड कर लेता हूँ. एंड नाउ द रिमेनिंग वर्क इज़ व्यू इमेज, और वो भी हमें एक अलग डायलॉग के अंदर देखनी है. सो हाउ वी कैन अचीव दैट, एक्चुअली ये सिमिलर कोर्स हमें वहाँ पे भी चाहिए. सो जस्ट मैंने इन्हें कॉपी करके ऑलरेडी रखा हुआ है. सो नाउ हियर व्यू इमेज, सो जस्ट हियर मैं सेव की जगह पे यूज़ करूँगा व्यू इमेज एंड अगेन दिस एरो ऑपरेटर एंड फाइनली दो कर्ली ब्रेसेस एंड सिंपली इन कोड्स को मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ. एक्चुअली मैंने इमेज URL कॉपी करके रखा है. सो सिंपली मैं इसे कंप्रेस कर लेता हूँ एंड मैं इन कोड्स को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ. सो कंट्रोल सी एंड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ एंड जस्ट इन्हें एक्सपांड कर लेता हूँ अगर इमेज URL नल नहीं है इन दैट केस. एंड अगर वो Base64 इमेज है देन उसे डिकोड करो एंड ये सारे वर्क तो हमें लगने ही वाले है. एंड अगर वो एक Base64 इमेज नहीं है तो हम वेब व्यू की मदद लेंगे उस इमेज को शो कराने के लिए. ओके, सो हाउ वी कैन डू दैट. सो हियर इंस्टेड ऑफ दिस स्टार्ट एक्टिविटी हमें जो है चेंज टैब को कॉल करना पड़ेगा जिससे हमें वो इमेज वेब व्यू के अंदर दिखाई दे. सो फॉर दैट सिंपली हमें एक URL पास करना है. सो हियर यहाँ पे इमेज URL करके समथिंग कुछ है, सो हम उसे पास कर सकते हैं. और उसके बाद हमें यहाँ पे ब्राउज फ्रेगमेंट पास करना है. सो सिंपली ब्राउज फ्रेगमेंट और इसके अंदर भी हमें एक इमेज URL पास करना पड़ेगा. नाउ हमारा वेब व्यू इस इमेज को प्रॉपरली हैंडल कर लेगा, बट अगर वो एक डिकोडेड बाइट इमेज है इन दैट केस वेब व्यू उसे हैंडल नहीं कर सकता, हमें खुद से उसे हैंडल करनी पड़ेगी. सो मैं ये इमेज स्टोरिंग के कोर्स यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ. एंड नाउ ये इमेज जो है हम लोग एक अलग डायलॉग के अंदर शो कराने वाले हैं एज मेरी एप्लीकेशन में है. अब यहाँ पे हम ऐसा कर सकते चाहे तो व्यूज में जाके एक अलग डायलॉग बनाए, फिर उसे इसके अंदर बाइंड करे, फिर उसकी बाइंडिंग की मदद से उसके अंदर एक इमेज सेट करे एंड सो ऑन. बट ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा. ओके, सो मेरे पास एक सिंपलर वर्जन है. हम लोग एक अलग डायलॉग ज़रूर बनाएंगे एंड एज वेल एज हम लोग व्यू भी बनाएंगे कस्टम, बट वो भी प्रोग्रामेटिकली बनाएंगे, विच मीन्स यहाँ पे ही कोर्स करके बनाएगा, फिर उसे उसके अंदर सेट कर देंगे एंड दैट्स इट. ओके, सो हाउ वी कैन डू दैट. सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक अलग डायलॉग बना लेता हूँ. सो मटेरियल अलग डायलॉग बिल्डर एंड इनसाइड दिस हमें कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ता है. सो सिंपली रिक्वायर कॉन्टेक्स्ट एंड इसके अंदर डॉट एंड यहाँ पे मल्टीपल फंक्शन है. सो हमें एक व्यू भी सेट करना है. सो सेट व्यू, बट करंटली वी डोंट हैव एनी व्यू, इसलिए मैं यहाँ पे डॉट क्रिएट कॉल कर रहा हूँ. हम लोग थोड़ी सी देर में एक व्यू भी बनाएंगे. नाउ इस अलर्ट डायलॉग को मैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर रहा हूँ विच आई एम कॉलिंग एट ई इमेज डायलॉग नथिंग ग्रेट. ओके, एंड सिंपली ये इसके अंदर स्टोर हो जाएगा. हम लोग थोड़ी सी देर में व्यू बनाएंगे. सो सिंपली हियर इमेज डायलॉग डॉट शो एंड ऑल राइट. एंड आफ्टर दैट यहाँ पे हम लोग एक इमेज व्यू बनाने वाले हैं जिसके अंदर हम इस इमेज को सेट करेंगे, फाइनल इमेज को, एंड फाइनली इस अलग डायलॉग में सेट कर देंगे. सो हाउ वी कैन डू दैट. सो मैं यहाँ पे एक इमेज व्यू बना रहा हूँ एंड ये होगा शेपेबल इमेज व्यू. सो आप चाहो तो सिंपली इमेज व्यू का भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं शेपेबल इमेज व्यू का यूज़ कर रहा हूँ, जस्ट मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है. सो रिक्वायर कॉन्टेक्स्ट एंड इस शेपेबल इमेज व्यू के अंदर हमें इस इमेज को सेट करना है. सो सेट इमेज बिट मैप एंड सिंपली फाइनल इमेज. ओके, नाउ हमने एक व्यू बना लिया, उसके अंदर इमेज सेट कर ली. हमें सिर्फ इस व्यू को यहाँ पे कॉल करना है. सो इमेज व्यू एंड इससे हमारी जो इमेज है वो अलग डायलॉग के अंदर शो हो जाएगी. बट नाउ इफ़ यू विल रन यू विल सी के अगर इमेज छोटी है तो अलग डायलॉग भी छोटा होगा, इमेज बड़ी है अलग डायलॉग भी बड़ा होगा. बट मैं चाहता हूँ एक कॉन्स्टेंट विड्थ एंड हाइट होनी चाहिए. ओके, सो हाउ वी कैन अचीव दैट. सो हमें डायनेमिकली उसके लिए विड्थ और हाइट सेट करनी पड़ेगी. और मैं चाहता हूँ उसकी विड्थ जो है स्क्रीन के विड्थ के इक्वल होनी चाहिए और उसकी हाइट जो है स्क्रीन के अराउंड 70% के पास होनी चाहिए. सो नाउ हाउ वी कैन अचीव दैट. सो सिंपली ये जो भी हमारा इमेज व्यू है, ओके, इमेज व्यू डॉट एंड सिंपली हियर लेआउट पैरामीटर्स डॉट विड्थ. एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, ये वाली जो कोर्स है लेआउट पैरामीटर्स वाले, ये हमें इमेज डायलॉग को शो कराने के बाद ही करने, नहीं तो ये हमें नल की एरर देगा. सो हियर सिंपली हम लोग रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं. सो एंड्रॉयड डॉट कंटेन डॉट रिसोर्सेज डॉट, इसके अंदर गेट सिस्टम नाम का एक फंक्शन है, डॉट इसके अंदर एक डिस्प्ले मैट्रिक्स नाम का वेरिएबल है एंड डॉट विड्थ पिक्सल्स. सो ये जो है हमें उस डिवाइस की विड्थ ला के देगा और हम इसे सिंपली यहाँ पे सेट कर देंगे. नाउ मैं
कंट्रोल डी का यूज़ करो जस्ट टू कॉपी दिस लाइन बिलो एंड दिस टाइम इंस्टेड ऑफ विड्थ आई वॉन्ट हाइट एंड नाउ यहाँ पे हाइट पिक्सल्स बट मैं पूरी हाइट नहीं चाहता आई वॉन्ट अ सर्टन स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ हाइट विच इज 0.75 ओके 0.75 विच मीन्स 75% ऑफ द हाइट एंड ये मुझे बोलेगा इसे इंट में कन्वर्ट करो सो लेट्स कन्वर्ट इट टू इंटीजर एंड फाइनली हियर हमें एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन कॉल करना पड़ेगा इस व्यू और इस हाइट और विड्थ को सेट करने के लिए सो इमेज व्यू डॉट रिक्वेस्ट लेआउट ये इंपॉर्टेंट है अगर आप ये कॉल नहीं करते तो कोई गारंटी नहीं कि हाइट और विड्थ सेट होगी या नहीं होगी एंड आफ्टर दैट वन लास्ट थिंग ये जो हमारा अलर्ट डायलॉग है आई वॉन्ट इट टू बी ट्रांसपेरेंट मैं नहीं चाहता ये वाइटिश कलर का दिखाई दे सो सिंपली हियर इमेज व्यू या लेट्स से इमेज डायलॉग एंड डॉट एंड इसके लिए हमें विंडो कॉल करना पड़ेगा सो दिस गेट विंडो और ये नल हो सकता है इसलिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के डॉट सेट बैकग्राउंड ड्रॉएबल एंड सिंपली हियर हमें एक ड्रॉएबल पास करनी है सो कलर ड्रॉएबल एंड इसके अंदर एक कलर पास करते हैं सो कलर डॉट ट्रांसपेरेंट सो वॉट विल दिस डू इज ये हमारे जो अलर्ट डायलॉग है उसे ट्रांसपेरेंट कर देगा सो नाउ इफ यू वॉन्ट वी कैन रन आर एप्लीकेशन एंड टेस्ट इट एंड हमारा व्यू इमेज एंड सेव की फंक्शनैलिटी परफेक्ट वर्क करेगी बट नाउ देर इज़ अ स्मॉल बग इन आर एप्लीकेशन अगर आप कोई भी वेब पेज अट अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए ओपन करते हो और उसे बैकग्राउंड में डाल देते हो एंड अगर आप एप्लीकेशन में वापस आओगे यू विल रियलाइज कि एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी ओके नाउ दिस इज बिकॉज के हमारा जो वेब व्यू है अगर ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर नहीं करता मेमोरी में सो हमें उसे रीलोड कराना पड़ेगा जब एप्लीकेशन वापस रिज्यूम में आए सो वॉट वी कैन डू इज सिंपली हमें यहाँ पे एक चीज़ कॉल करनी है लेट्स से हम लोग इसे एंड में भी कॉल कर सकते हैं ऑन रिज्यूम फंक्शन के ओके सो सिंपली हियर इन द एंड लेट्स से इसके जस्ट बाद में सो वॉट वी कैन डू इज हियर बाइंडिंग डॉट वेब व्यू डॉट रीलोड ओके एंड ये जो कोड से हमारे लिए उस बग को फिक्स कर देंगे यप दैट्स इट सो नाउ लेट्स रन आर एप्लीकेशन एंड टेस्ट इट सो फाइनली ग्रेडल इज बिल्ट एंड ऐप इज इंस्टॉल्ड एंड नाउ लेट्स से मैं गूगल को ओपन कर लेता हूँ जिससे मैं इमेज की फंक्शनैलिटी टेस्ट कर सकूँ एंड लेट्स से ये डायनेमिकली चेंजिंग इमेज पे ट्राई करते हैं सो मैंने इस पे लॉन्ग प्रेस किया एक्चुअली ये इमेज नहीं है एक तरह का हाइपर लिंक है सो हमें इससे कोई वर्क नहीं है मुझे इमेज के साथ ट्राई करना है सो लेट्स से दिस थॉर लव एंड थंडर वन एंड नाउ हियर इस फर्स्ट इमेज पे मैं क्लिक कर रहा हूँ एंड मैं व्यू इमेज पे क्लिक करूँगा एंड यू विल सी एक अलर्ट डायलॉग के अंदर शो होती है अराउंड 75 हाइट के पास एंड फुल विड्थ कवरिंग ये थोड़ी ब्लर है आई नो क्योंकि वो इमेज काफ़ी छोटी है एंड लेट्स से उसकी बाजू वाली ट्राई करते हैं आई थिंक ये एक लिंक होने वाला है सो मैं इस पर व्यू इमेज करता हूँ एंड यू विल सी ये वेब व्यू प्रॉपरली हैंडल कर लेता है नाउ नेक्स्ट थिंग वॉट आई वॉन्ट इज मैं चाहता हूँ इस इमेज को मैं सेव कर सकूँ सो मैं इस पर लॉन्ग प्रेस कर रहा हूँ एंड मैं सेव पे क्लिक करूँगा एंड यू विल सी इमेज सेव सक्सेसफुली नाउ लेट्स से मैं अपने फाइल मैनेजर के अंदर जाता हूँ सो सिंपली एंड हियर फाइल मैनेजर एंड यहाँ पे इमेज लोड नहीं होगी सो मुझे इसे एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा वो इमेज देखने के लिए सो यू विल सी वो इमेज यहाँ पे लोड हो चुके एंड इफ आई क्लिक ऑन इट ये थोड़ी ब्लर ज़रूर है बट दैट्स ऑल राइट ओके क्योंकि वो इमेज काफ़ी छोटी है बट वो इमेज दिखाई दे रही है यहाँ से वो अच्छी दिख रही है सो हमारी व्यू एंड सेव की फंक्शनैलिटी परफेक्ट वर्क कर रही है सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय